यस गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड चैप्टर अपने चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा था पता है आपको? चैप्टर एट। चैप्टर एट है चंद्रमा की सेज। इसके अंदर मैंने आपको टिक द राइट, फिलिंग द ब्लैंक्स और सब करवा दिए थे। शब्दार्थ लर्न है सबको? जितने चैप्टर कराया उतने सबको लर्न होनी चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, मैच हो गया, राइट रॉन्ग हो गया। आज अपन चलेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन देख रहे हैं। संसार का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? क्वेश्चन क्या है? संसार का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम अंतरिक्ष यात्री यात्री कौन था? आंसर क्या लिखेंगे? पता नहीं आपसे कौन था, पता है आपको? गैग्रीन। कौन था? गैग्रीन। आंसर क्या लिखेंगे आप? संसार का प्रथम अंतरिक्ष यात्री गैग्रीन था। गैग्रीन था, ठीक है। फिर वन लाइन का ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या है बेटा? गैग्रीन ने कितनी देर पृथ्वी का एक चक्कर लगा दिया? पृथ्वी का एक चक्कर लगा दिया। क्वेश्चन नहीं आ रहा इसलिए मैंने नीचे लिखा है नीचे की लाइन में। आपको अगर वन लाइन में क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सेकंड लाइन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगर वन लाइन में नहीं आता है तो। लेकिन आपको करना सही ढंग से है। क्वेश्चन क्या है? गैग्रीन ने कितनी देर में, समय पूछा इसमें, कितनी देर में ये पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया? पृथ्वी कैसी होती है? मैंने बताया था आपको, पृथ्वी गोल होती है ना। तो गैग्रीन ने व्यक्ति का नाम है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, तो उसने कितने समय में पूरा चक्कर किया पृथ्वी का? तो आपको क्या लिखना है? आंसर लिखेंगे आप गैग्रीन ने एक सौ आठ मिनट में गैग्रीन ने 108 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा दिया। कितने समय में एक चक्कर? कितने समय में किया? 108 मिनट में पृथ्वी का पूरा चक्कर उन्होंने लगा दिया। सर ना, ये दो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।
नीट एंट्री नोटबुक में ओके यस डायरी एंट्री करेंगे आप सी डब्ल्यू लर्न समझ आ रहा है ओके वेरी गुड थैंक यू।